सुस्वागतम वंदे मातरम। कक्षा 11th की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपके रस प्रकरण चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे करुण रस के बारे में। इसमें जो परिभाषा वगैरह है, इनके उदाहरण हैं, वो देख लेते हैं। तो करुण रस अर्थात संबंध जो विभाव, यानी कि इनसे जुड़े हुए विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से सहृदय के हृदय में, सहृदय का मतलब वो पाठक या दर्शक, उसके हृदय में या मन में वासना रूप से स्थित शोक स्थायी भाव का आश्रय होता है। मतलब क्या, शोक उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। शोक जो स्थायी भाव है वो परिपक्व अवस्था में पहुँच कर करुण रस में परिणित हो जाता है। करुण का मतलब वो दया का, या उसके ऊपर जो मन के अंदर जो करुणा का भाव होता है वो सामने आता है। अब ये सब क्यों होता है? तो प्रियजन का नाश, ऐश्वर्य, घर, वाहन, वस्तु आदि का नाश, इन सब की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त दीनहीन अवस्था को प्राप्त, मतलब कि गरीबी की अवस्था को प्राप्त जो भी व्यक्ति होगा वह, या राष्ट्र आदि भी करुण रस के आलंबन यानी के कारण हो सकते हैं। प्रियजन का स्वदर्शन, यानी कि उनका जो अंतिम दर्शन होता है उसको देखकर या उसका चिता में जलना आदि सभी भी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। और इसमें देख सकते हैं गुण कथन, रोना, भाग्य को कोसना आदि अनुभव होते हैं, मतलब प्रभाव पड़ते हैं, मतलब ये सब होगा। फिर संचारी भाव कौन कौन से होंगे? तो निर्वेद, मोह, विषाद, जड़ता आदि, मतलब ये सारे संचारी भाव उस वक्त मन में आएंगे और जाएंगे। अब इसका एक उदाहरण जो आपके महाभारत के प्रसंग से लिया गया है, जिसमें अभिमन्यु उसका उसकी मतलब के हत्या कर दी जाती है युद्ध में। तो उसके बाद जब द्रौपदी उसके शव को देखती है तो उनके मन में क्या बात आती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि मेरे हृदय के हर्ष आ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृक खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यहीं पर है पढ़ा, निज गुरुजनों के मान को तो ध्यान था तुझको बड़ा, व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे, दात्री सुभद्रा को समझकर मां मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। इसमें मतलब अभिमन्यु से वो उस शव के पास बैठी बैठी विलाप कर रही है और बार बार उससे विनती कर रही है कि वो अपने आंखें खोलें, उसके मामा यानी कृष्ण भगवान जो उनके पास में खड़े हैं उनको देखने के लिए कह रही है। फिर कहा कि जो गुरुजन वगैरह खड़े हैं उनका मान सम्मान रखते हुए वो उठ जाए। फिर कहा कि हर वक्त वह उसे धैर्य देता था तो आज तुम्हें क्या हो गया। फिर कहा कि जो उसकी वास्तविक माता यानी कि सुभद्रा थी, लेकिन फिर भी वो उसको तो अपनी पालने वाली मानता था और द्रौपदी को ही अपनी माँ वो वास्तविक रूप से मानता था, तो इस तरह से इतना प्रेम था तो क्या आज वो उसे क्यों नहीं पहचान रहा है। इस तरह से उसके मन में शोक का भाव है और करुण रस वो उत्पन्न हो चुका है। तो ये था आपके करुण रस। अब है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है कि हम कोई ऐसी विचित्र वस्तु को देख लें जिससे लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन होता है। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव वो विस्मय है। विस्मय का मतलब होता है ना, जैसे अचानक कुछ हो जाए जिसको हम देखते हैं तो सोचते हैं, तो उसके बारे में। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं? तो आश्चर्यजनक व्यक्तियों, वस्तुओं, विचित्र दृश्यों एवं अलौकिक वस्तु या घटना के द्वारा अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। संबंध विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित विस्मय वो स्थाई जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, बल्कि उसकी शुरुआत होती है। अब है आलंबन। अलौकिक व्यक्ति, वस्तु या घटना, विचित्र दृश्य तथा आकस्मिक मनोरथ सिद्ध वो इसके आलंबन हो सकते हैं।
आकस्मिक मनोरथ सिद्ध का मतलब कि अचानक ही आपको कुछ जो आपके मन में था वो पूर्ण हो जाए, तो भी आपके मन में विस्मय हो सकता है। तो अलौकिक व्यक्ति का मतलब होता है जो आपको इस संसार में नज़र नहीं आते, और ऐसा कोई दिख जाए तो ऐसी कोई वस्तु या घटना हो जाए तब, या विचित्र दृश्य जो आपके सामने आ जाए तब, इस तरह से ये सब उसके आलंबन होते हैं, मतलब कि इनकी वजह से वो अद्भुत रस हमारे मन में उत्पन्न होता है। उसके गुणों का श्रवण, उसके विभिन्न रूप में तथा आश्चर्यजनक वस्तु का विवेचन, वो इसके उद्दीपन होते हैं, मतलब कि फिर इसके अंदर प्रभाव क्या पड़ते हैं वो बताए गए। उद्दीपन का मतलब होता है जो हमारे उस रस को उत्पन्न करने का कारण बनता है। अब आपके अनुभव, इसमें होगा स्तंभ, मतलब कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे शरीर पर। तो स्तंभ का मतलब कि आप एकदम चौंक जाएंगे या उसी जगह पर स्थिर हो जाएंगे। स्तंभ का मतलब होता है जैसे एक खंभा होता है वैसे हम स्थिर होकर मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। फिर है श्वेत, श्वेत का मतलब होता है पसीना आना, मतलब कि इस तरह से खुशी या विस्मय को देखकर भी, मतलब परिश्रम जैसे बूंदे होती है वैसे ही श्रम की बूंदे वो अपने शरीर पर परिलक्षित होती है। फिर है रोमांच, रोमांच का मतलब जो हाथ पैर के रोएं वो खड़े हो जाते हैं, तो ये सब इसका प्रभाव हो सकता है। अब यह संचारी भाव इसमें कौन से होंगे, तो वितर्क, आवेग, हर्ष आदि वो संचारी भाव इसमें समाहित है। अब एक आपके अद्भुत रस का उदाहरण, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मीठे न मरे, भीति दुख पाइए यही तनु हेरे, रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप ते ही माही, बदन हीन सो ग्रसे चराचर, पान करंजे जाहि, कौ कह सत्य झूठ, कह कौ जुगल प्रबल कौ माने, तुलसीदास परिहरे तिनी ब्रह्मसो आपन पहचाने। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास ही है लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण के भी गुणगान करते हैं कभी कभार, तो यहाँ पर भी एक उनका ही प्रसंग लिया गया है कि उनकी रचनाएं वो विचित्र हैं, मतलब कि कृष्ण के रूप को कोई जान नहीं पाया, कृष्ण अपार हैं, उनके बारे में जितना समझा जाए वो कम है, इसलिए आप मतलब के कृष्ण भगवान को कह रहे हैं तुलसीदास कि आपका जो प्रताप है वो सूर्य के समान है, उसको मतलब के कोई भी मगरमच्छ की तरह वो बताया गया कि वो उसको ग्रसित नहीं कर सकता, उसको मतलब के कम नहीं कर सकता। इस तरह से इस पूरे चर और अचर यानी कि सजीव और निर्जीव का जो साम्राज्य है, पूरी पृथ्वी है, इतने लोक हैं, इन सब के स्वामी आप ही हैं, और आपसे बड़े या आपसे विशाल कोई नहीं, इसलिए कि इस पूरे संसार के अंदर आप ही अपरंपार हैं, आपकी ही सारी माया है। तो इसलिए हम तो के इस ब्रह्म में ही पड़े हुए हैं, वास्तविक तो यह है कि हम आपके चरणों में पहुँचें तो ही मोक्ष वो प्राप्त होगा। एक और उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखियात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। यह प्रसंग समझ लीजिए आप कि महाभारत के अंदर जब कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता उसका वर्णन अर्जुन के सामने करते हैं, तब जो अपना विराट रूप दिखाते हैं उस समय ऐसा होता है कि चर और अचर यानी कि सजीव और निर्जीव सारे भगवान के मुख की ओर जाते नजर आते हैं, मतलब कि सारे उनमें ही समाते हैं और उनसे ही जन्म लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि सारे सृष्टि के जो पालनकर्ता वे ही हैं, यानी कि विष्णु के अवतार कृष्ण, और वे ही के सबको जन्म देते हैं और वापस मृत्यु में समाहित करते हैं और अपने अंदर मिला लेते हैं। इस तरह से ये उनका विकसित दृग यानी कि बड़ी बड़ी आँखें और उनका विराट रूप वो देखने लायक था जब उन्होंने यह सब वर्णन किया था। तो ये था आपके अद्भुत रस। धन्यवाद। अगली कक्षा में जो अंतिम बचे हुए रस हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।